हर गर्भवती महिला यही चाहती है कि जन्म के समय उसका बच्चा बिल्कुल स्वस्थ और तंदुरुस्त हो। अपनी ये इच्छा पूरी करने के लिए गर्भवती महिलाएं अक्सर अपने डाइट में कई नई चीजों को भी शामिल करती हैं। पर ज्यादातर महिलाएं ऐसी होती हैं जिन्हें ये पता नहीं होता कि प्रेगनेंसी के वक्त कौन सी चीजें कितनी मात्रा में खानी चाहिए। प्रेगनेंसी में सेहतमंद रहने के लिए उचित आहार लेना बहुत जरूरी है। एक प्रेग्नेंट महिला को एक दिन में 200 से 300 कैलोरी लेनी चाहिए। माँ के आहार का संतुलित और हेल्दी होना माँ के पेट में पल रहे बच्चे के लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल AskiGuru को सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रूट्स प्रेग्नेंट वुमेन शुड नॉट ईट बाय मिस्टेक ऑल्सो। अवॉइड ग्रेप्स। प्रेगनेंसी के टाइम आखिरी के 3 महीने तक प्रेग्नेंट महिलाओं को अंगूर का सेवन नहीं करना चाहिए। ये सलाह डॉक्टर्स इसीलिए देते हैं क्योंकि अंगूर काफी गर्म होता है और जिससे समय से पहले डिलीवरी होने का खतरा हो जाता है, इसलिए जितना भी हो सके अंगूर खाने से बचे। अवॉइड ऑरेंजेस। अंगूर की तरह ही संतरा का ज्यादा सेवन विशेषकर अंतिम के 3 महीनों में प्रेग्नेंट महिला के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा खट्टे फ्रूट से दूर रहे। खट्टे फ्रूट्स डिलीवरी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अवॉइड ईटिंग रॉ पपैया। पके हुए पपीता खाने से कोई नुकसान नहीं है, लेकिन अगर आपने आधा पका पपीता खाया तो आपके और आपके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि पपीता खाने से डिलीवरी जल्दी होने की संभावना होती है। पपीता गर्भ में दर्द को ट्रिगर कर देता है जिससे गर्भ ठहरता नहीं है। प्रेगनेंसी के तीसरे और आखिरी टाइम में पके हुए पपीता को खाने से कफ जैसी परेशानी से दूर होती है। स्टे अवे फ्रॉम पाइनएप्पल। प्रेगनेंसी के दौरान अनानास खतरनाक हो सकता है क्योंकि उसके सेवन से गर्भ में नमी हो जाती है और समय डिलीवरी का कारण बन सकती है। आपको पहले टाइम से ही अनानास का सेवन करना बंद कर देना चाहिए। मिथ्स रिलेटेड टू ईटिंग एंड ड्रिंकिंग थिंग्स इन प्रेगनेंसी। हमारे समाज में प्रेगनेंसी में खाने पीने की चीजों को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं। इनमें से कई मिथ्स पर तो पढ़े लिखे लोग भी भरोसा करते हैं। मिथ, प्रेगनेंट महिला को 2 लोगों का भोजन खाना चाहिए। फैक्ट, ये बात पूरी तरीके से गलत है। फोर्सेबली ज्यादा भोजन करने से वेट बढ़ता है जो गर्भ में पल रहे शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है, इसीलिए प्रेग्नेंट महिलाओं को बैलेंस्ड मात्रा में केवल पौष्टिक भोजन ही खाना चाहिए। मिथ, हल्के रंग का भोजन करने से बच्चा गोरा पैदा होता है। फैक्ट, अक्सर सुना जाता है कि हल्के रंग की कुछ खास चीजें जैसे कि टोफू, सोया प्रोडक्ट्स आदि खाने से गोरा बच्चा पैदा होता है, लेकिन इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। बच्चे का रंग उसके जीन्स पर निर्भर करता है, ना कि किसी तरह के भोजन पर। मिथ, प्रेगनेंसी में जड़ी बूटियों और टॉनिक लेने से बुद्धिमान बच्चा पैदा होता है। फैक्ट, बाजार में प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए कई तरह के टॉनिक उपलब्ध है, लेकिन इनके सेवन से बुद्धिमान बच्चे पैदा होने का कोई साइंटिफिक प्रूफ उपलब्ध नहीं है। तो ये थी कुछ खास बातें जो प्रेगनेंसी के वक्त ध्यान रखना चाहिए। और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये सारे फ्रूट्स प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाने हैं। और अगर इससे जुड़े आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।